इंटरमीडिएट के स्मार्ट सिलेबस के हवाले से बात करूंगा केपीके ने इंटरमीडिएट का स्मार्ट सिलेबस दे दिया है तो वो, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। कहां से आप ले सकते हैं ये सारी डिटेल आप इस वीडियो में जानेंगे कौन कौन से बोर्ड्स हैं जिनके लिए ये सिलेबस दिया गया है तो ये पूरी डिटेल तफसील के साथ इसके साथ साथ जिन जिन सब्जेक्ट्स का आ, स्मार्ट सिलेबस दिया गया है वो सारे सब्जेक्ट्स भी आपको बताएंगे तो चलिए शुरू करते हैं असलम एंड वेलकम बैक टू तो साउंड ऑफ़ दिस वर्ल्ड डॉट कॉम हेअ एच एम फ्रीद तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स के पी के तमाम बोर्ड्स ने जो आ, एक ही सिलेबस जारी किया है इंटरमीडिएट का वो आपके साथ शेयर करने लगे हैं सबसे पहले मैं आपको जिन जिन सब्जेक्ट्स का सिलेबस आ चुका है उन सब्जेक्ट्स का नाम बताऊंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि आप किस तरह ये मुकम्मल सिलेबस पीडीएफ की सूरत में डाउनलोड कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं जी हाँ स्टूडेंट्स इनमें जिन जिन बोर्ड्स की तरफ से ये जो सिलेबस आया है उनमें आपके पास कोहाट बोर्ड एप्ट बोर्ड पेशावर बोर्ड सवात बोर्ड और बन्नू बोर्ड ये सारे बोर्ड्स के पी के के बोर्ड्स हैं इन तमाम बोर्ड्स के लिए ये एक ही सिलेबस जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ तो चलिए मजामीन देखते हैं सब्जेक्ट्स देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं इसमें इंग्लिश का है उर्दू कंपलसरी है इस्लामिया जो कि सिर्फ फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाएगी और पाक स्टडी जो कि आपको सिर्फ सेकेंड ईयर में इस्लामिया की जगह पर पढ़ाई जाएगी इसके साथ साथ फिजिक्स है बायोलॉजी है केमिस्ट्री मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स कंप्यूटर साइंसेस हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन होम इकोनॉमिक्स इसके साथ साथ जनरल मैथ भी है और इस्लामिक इस्लामिक स्टडीज़ का सिलेबस भी दिया गया है आपको सिविक्स का भी है इस्लामिक हिस्ट्री का भी है इसके साथ साथ होम इकोनॉमिक्स होम इकोनॉमिक ग्रुप का भी दिया हुआ है होम इकोनॉमिक्स जो कि इकोनॉमिक्स ग्रुप्स का ये सिलेबस है ये भी आपको दिया गया है इसके साथ साथ जोग्राफिया का सिलेबस भी दिया गया है उर्दू एडवांस का सिलेबस भी दिया गया है पश्तो है और इसमें आखिरी जो सब, सब्जेक्ट है वो है लाइब्रेरी साइंस का तो तकरीबन सब सब्जेक्ट्स जो कि आपके आपके सिलेबस में शामिल हैं उन सब का स्मार्ट सिलेबस दिया गया है मैं ये सब्जेक्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे पहले जो मुख्तलिफ बोर्ड्स ने स्मार्ट सिलेबस दिए हैं उनमें चंद सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिनका स्मार्ट सिलेबस नहीं दिया गया था अब जिन सब्जेक्ट्स का स्मार्ट सिलेबस नहीं दिया गया था इसका मतलब ये था कि वो पूरी बुक्स तैयार करनी है उनका कोई स्मार्ट सिलेबस नहीं बनाया गया जबकि मैं आ, मुझे उम्मीद है कि ये जो सब्जेक्ट्स आपको सब बताए हैं ये सारे सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में आपके कोर्स में शामिल हैं और इन सब का स्मार्ट सिलेबस आपको दिया गया है अब अगर मैं स्मार्ट सिलेबस यहाँ पर पढ़ना शुरू करूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आप भी बोर हो जाएंगे अगर आपको स्मार्ट सिलेबस चाहिए जिसमें कोहाट बोर्ड एप्ट बोर्ड पेशावर बोर्ड सवात और बन्नू बोर्ड शामिल हैं तो उस उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तमाम सब्जेक्ट्स के सिलेबस आपको मिलेंगे उसमें ये भी लिखा होगा क्लास अलेवेंथ या क्लास ट्वेल्थ तो आपको जिस भी क्लास का जिस भी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए आप अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड भी कर सकते हैं या आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उसे ऑनलाइन नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे आप उसको लिख भी सकते हैं अगर आ, किसी भी किस्म की कोई परेशानी आपको आती है डाउनलोड करने में या ओपन करने में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हम आपको उसका हल बताएंगे वैसे इससे पहले जितने भी स्मार्ट सिलेबस हमने आपके साथ शेयर किए हैं उम्मीद है कि हमने मुकम्मल सिलेबस आपको इससे पहले दूसरे बोर्ड्स का दे दिया है उसने उसमें आपको सब सिलेबस के बगैर किसी मसले के आपने डाउनलोड कर लिए होंगे तो ये भी इन शाह तला आपको इसके डाउनलोड करने में कोई परेशानी नहीं होगी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लिंक आपको ऊपर की तरफ नजर आएगा उस लिंक पर क्लिक करके आप मुकम्मल अलेवंथ और ट्वेल्थ क्लास का सिलेबस आप ले सकते हैं आ, और अगर आपके जन में कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़